गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आइए आज क्लास थर्ड का चैप्टर नंबर स्टार्ट करेंगे हम सेकेंड, और सब्जेक्ट होगा हमारा मैथ्स। ठीक है बच्चों, ये हमारी चैप्टर बुक है, ये हमारी टर्म वन, जिसमें हमारे सब्जेक्ट फाइव दे रखे हैं, और हम इसका कौन सा मैथमेटिक का सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स है हमारे सब्जेक्ट का नाम, और इस चैप्टर नंबर टू है एडिशन। ठीक है बच्चों, वी आर गोइंग टू लर्न। बेटा हम बहुत सारे मतलब पार्ट्स पढ़ेंगे और समझेंगे कौन से पार्ट में कौन से क्वेश्चन दे रखे हैं। यहाँ पे हमारे फाइव पार्ट्स हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम आगे करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है, लेट अस रिकॉल, एडिशन मीन्स पुटिंग टुगेदर टू और मोर नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्टिव टू फाइंड हाउ मैनी ऑल टुगेदर द रिजल्ट इज कॉल्ड द सम। जैसे यहाँ पे कितनी बॉल्स दे रखी है हमें, 1, 2, 3, 4, 5, 6 दे रखी है, प्लस कितनी दे रखी है यहाँ पे, 2 दे रखी है, 6 और 2 कितने हो हमारे, 8। तो हमारा जो सम निकल के आया वो कितना निकल के, हमारा दोनों नंबरों को, दोनों जो नंबर्स दे रखे, दोनों जो संख्या दे रखे, जोड़ने के बाद हमारी कौन सी संख्या, नई संख्या आई हमारे पास, 8 आई। तो ऐसे स्टेप बाई स्टेप आगे क्वेश्चन दे रखे हैं जो हम समझेंगे और आपको आएंगे। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में ये भी समझाया था बेटा, जब भी हम कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो उससे रिलेटेड कोई कुछ इन्फॉर्मेशन हमें पहले ही दी जाती है। जैसे इसमें दे रखी है, जैसे दे रखी है ना, चैप्टर स्टार्ट होने से पहले हमें इन्फॉर्मेशन दे रखी है, और यहाँ पे भी दे रखी है। देखो यहाँ पे टू पार्ट में दे रखा है, द सम ऑफ जीरो एंड अ नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू द गिवन नंबर, मतलब कि ये 42 है प्लस 0 इक्वल 42। अब मैंने आपको बताया भी था, कोई भी नंबर हो उसमें अगर हम 0 ऐड करेंगे तो हमारी वही संख्या हमारे पास क्या आ जाएगी, सेम टू सेम वापस हमारे पास आ जाएगी। और नीचे दे रखा है ये वाला, तो आपको पता ही है ये वाला फर्स्ट जो है, मैंने आपको ये समझा दिया, उससे रिलेटेड ही ये क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको ये नहीं समझाया, इसलिए टू पार्ट समझाया। थ्री पार्ट है हमारा, ऑन एडिंग 1 to एनी नंबर द सम ऑफ नंबर इज जस्ट आफ्टर ऑल्सो नाउ एज द सक्सेसर, मतलब कि इसमें बोला जो सक्सेसर वाले जो सम होते हैं, जैसे हमारे पास कोई भी संख्या दे रखी है, ऐसे हमें कोई भी संख्या दे रखी है उसमें एक ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 824। तो ये जो हमें नया नंबर मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, सक्सेसर नंबर मिलेगा, न्यू नंबर हमारा क्या मिलेगा, सक्सेसर। अगर आप ऐसे नहीं कर पाएँ तो आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो नई संख्या आएगी वो हमारी क्या आएगी, सक्सेसर। ठीक है बच्चों, इससे रिलेटेड आपको दे रखा है, ट्राई इट योर सेल्फ, यहाँ पर आपको खुद समझने के लिए, अपना माइंड शार्प करने के लिए आपको एग्जांपल दे रखे हैं, और कुछ सम दे रखे हैं, वो किस में करने हैं, आपको अपनी बुक में ही करने हैं। यहाँ पे दे रखा फर्स्ट है एडिशन बाय रीग्रुपिंग, ठीक है, आपको ऐड करना है और टेंस वंस में अलग अलग बांट के इसमें दिखलाना है। ठीक है, यहाँ पे 100 टेंस वंस 100 दिए रखा है, आपको उससे रिलेटेड कौन सा नंबर कौन से प्लेस पर आएगा वो बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू है आपका ऐड वंस टेंस 100, आपको बता ही रखा है ऑलरेडी कि वंस पे कौन सी संख्या है, टेंस कौन सी संख्या है, तो ये भी आप कर लोगे। क्वेश्चन थ्री आपका है वर्स प्रॉब्लम वाला, मतलब कि स्टोरीज वाला, इसमें वो दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है 525 स्टूडेंट्स है इन आ स्कूल, और 213 मोर स्टूडेंट ज्वाइन दैम, मतलब कि हमारे पास 525 बच्चे थे जिसमें 213 बच्चे और क्या हो गए, ज्वाइंट हो गए, मतलब कि ऐड हो गए। हाउ मैनी स्टूडेंट डज द स्कूल हैव नाउ, मतलब टोटल स्टूडेंट कितने हो गए 525 को और 213 को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। इसी से रिलेटेड आपको एक और दे रखा है, सम दे रखा है स्टोरी वाला, वो भी आपको खुद करना है। तो ये हमारा एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले कुछ क्वेश्चन थे जो आपको क्या करने हैं, खुद ही करने हैं। ठीक है बच्चों, एक्सरसाइज हमारी 2.1 है, 2.1 है, तो ये दे रखा है, इसमें आपको दे रखा है ऐड बाय यूजिंग एक्सपेंडेड फॉर्म, मतलब एक्सपेंडेड फॉर्म में आपको करना है। जैसे यहाँ पे आपको दे रखा है फॉर एग्जांपल, जैसे क्या दे रखा है, ऐड 45 एंड 21 दे रखा है, तो 45, 21 दे रखा है ना इसमें, तो ऐसे ही आपको सेम टू सेम ये सम करना है। और आप कैसे कर सकते हो उसको, आपको मैं अभी करके बताती हूँ जो आप करोगे। बेटा मैंने आपको बताया ना कि इसको मैं बताऊंगी, वैसे ही आपको नेक्स्ट सम भी करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 1 है, ये आपका 37 दे रखा है प्लस 22 दे रखा है, ऐसे दे रखा है, तो इसमें हमें किस में करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में इसको सॉल्व करना है।
बेटा हमारे ये क्या संख्या दे रखी है, 37 दे रखी है, और ये हमारा क्या है 22, ये 22, इसको पहले हम ऐड करेंगे। 7 में 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, और 3 में 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, ये हमने क्या कर रहा है, एरो का साइन डाला। ये हमारी कितनी संख्या है 37, कितनी है 37, ये हमारी 37 आ गई। ठीक है बच्चों, ये क्या है हमारा 22 हमारा कैसे बना पहले हमें वो करना है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या सॉल्व बनेगा, आंसर एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे निकलेगा, फिर मैं वो बताऊंगी। ऐसी संख्या बताओ जिसमें हम 22 में क्या जोड़ें, 20 में क्या जोड़ें कि हमारा 22 आ जाए। हाँ वेरी गुड, 20 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 22 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखो ये क्या है 7, 7 का 7 आ गया नीचे, ये क्या है 3, 3 में 2 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, हमें ये वाला नंबर निकालना है, ये नंबर जो आया हमें ऐसे सॉल्व करके ये वाला नंबर निकालना है। अगर हम 52 में 2 ऐड करेंगे तो बच्चों हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म क्या निकलेगी, बेटा ये देखो ये 57 है, 57 में अगर हम 2 ऐड करेंगे तो हमारी संख्या क्या आ जाएगी, ऐड होके 259, तो ये हमारा सॉल्व जो होगा कैसा होगा, एक्सपेंडेड फॉर्म में हमने सॉल्व करा, मतलब कि संख्या को अलग करके हमने वही जो ऐड में जो हमारा नंबर आया एक्सपेंडेड फॉर्म में सॉल्व करके वही नंबर हमारा यहाँ पे भी आना चाहिए, तभी वो हमारी क्या कहलाएगी, एक्सपेंडेड फॉर्म कहलाएगी। ठीक है बच्चों, ऐसे आपको मैंने आपको ए पार्ट करके दिखला दिया, आपको बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट, इनको आपको बुक में ऐड करके लिखना है। बस एक्सपेंडेड फॉर्म जब मैं करवाऊंगी आपको नोटबुक में, वैसे ही आपको ऐसे सॉल्व करना है जैसे मैंने आपको सॉल्व करके बताया है। ठीक है बच्चों, तो मैंने एक सवाल समझा दिया, बट आपको बुक में कैसे करना है, बुक में तो आप सिंपल से ऐसे ऐड करके आंसर फिल करना। ठीक है, और नोटबुक में करोगे तो आप ये पूरा सॉल्व करके करोगे। ओके, तो हमारी जो एक्सरसाइज थी 2.1 आज फिनिश होती, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम आगे समझेंगे, और क्या होगी हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी हमारी 2.2। तो आज की क्लास यहीं एंड होती है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चों।